हेलो टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज हम आपको जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका नेक्स्ट शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल जो है आपका वो है सेकंड एक्सरसाइज, आपकी ही बुक की सेकंड एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपका क्या है कि देखिए सारे आपके स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, इन स्ट्रोक्स को आपको सिंबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें यहाँ पर इनको सबको डिफाइन करना है। तो देखिए कैसे करने हैं हमें। फर्स्ट लाइन जो है आपकी, उसमें लिखा हुआ है प, तो कैसे बना आपका मैं आपको सिर्फ सिंबल बताऊंगी। देखिए हर स्ट्रोक लाइन पर ही बनेगा, लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, तो बना प। ठीक है, नेक्स्ट बना क, हल्के हाथ से चलाएंगे स, दो तरह से बनते हैं आपके। ठीक है, फिर है आपका न, म, र, राय, इस तरह से बनता है आपका, एक इस तरह से बनता है आपका स और ह। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ल, ख, ट, द, श, शा, स से ही शा बनेगा, शॉर्ट हैंड में तीनों शा इसी से बनते हैं, इन्हीं स्ट्रोक से बनते हैं। ठीक है, ग, हाँ डाक चलाएंगे थोड़ा सा, म एंड न। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ख, ह, र, न, म, क, त, ह। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगी, देखिए स और ह में अंतर होता है, मैं त बना रही हूं इस तरह से। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ ब्रैकेट और स बन रहा है थोड़ा सा ठहराव देते हुए। ये भी आप स्ट्रोक्स में प्रॉपर देखिए मैनेज करते हुए चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाली लाइन में य, ठीक, र, ऑलरेडी मैं आपको दोनों बता चुकी हूं इसलिए मैं यहाँ पे एक ही स्ट्रोक बनाऊंगी इसका, म, ल, स, ठीक है, त। देखिए यहां पर ये दोनों एक साथ आ गए है ना, थोड़ा सा और क्लियर आपको बता दे रही हूं। ये देखिए, ठीक है, इसके बाद आपका आया व और ध। ठीक है, इस तरह से ये बनेंगे। फिफ्थ देखिए आपका ग, दांत बनेगा, र, जो र बनाते हैं हम उसी से बनता है ये। ठीक है, च, हल्के हाथ चलाएंगे, घ, ठीक है, ज, झ, थ, छ, म, अगेन म है आपका, तो ये आपका ये वाला। ठीक है, य और र। ठीक, लास्ट जो आपकी लाइन है वो है ड, थ, ध, दांत बनाएंगे थोड़ा सा, फ, भ, डाक बनाएंगे, ब, डाक बनेगा, स, और लास्ट में आपका बना जाके ढ, जो कि ह काट के बना है। ठीक है, ये सेकेंड एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। इस एक्सरसाइज के सारे स्ट्रोक्स मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। देखिए जब आप बुक में प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कंसेप्ट अपनाएंगे जिससे कि आपको इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसके लिए आप ये करेंगे कि इस एक्सरसाइज को, जैसे कि अगर कोई कोड की एक्सरसाइज है तो उस कोड की एक्सरसाइज को पहले आप सिंबल्स में, पहले आप शब्दों में डिफाइन करेंगे। ठीक है, शब्दों में डिफाइन करने से ये होगा कि आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर बुक को क्लोज कीजिए आप और उसी एक्सरसाइज को अगेन सिंबल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो एक एक्सरसाइज आपकी दो बार प्रैक्टिस में आ जाएगी। उसका बेनिफिट ये होगा कि स्ट्रोक माइंड में और ज्यादा सेट हो जाएंगे। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि जब आपको शब्द दिए होंगे और आपको सिंबल्स में बनाना होगा, तो जस्ट वही फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे कि शब्दों को सिंबल्स में बनाने के बाद में फिर से उनको खुद से खुद बुक में नहीं देखेंगे, खुद से खुद उनको
शॉर्ट हैंड में या फिर शब्दों में कन्वर्ट करेंगे, डिपेंड करता है मतलब अपोजिट फॉर्मेट चलेगा। अगर सिंबल है तो शब्द खुद बनाएंगे और शब्द है तो सिंबल खुद बनाएंगे। तो देखिए इससे दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक्सरसाइज में जो भी शब्द हैं वो आपको प्रॉपरली सेट हो जाएंगे माइंड में, और सेट हो जाने से ये होगा कि जब हम आगे के स्टेप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद के जो वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो है व्यंजनों को मिलाना, है ना। अभी मैंने आपको ये व्यंजन की दोनों एक्सरसाइजेस बता दी हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी क्यूरी है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज लिंक बेल बटन को दबाइएगा जिससे कि आप मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।